हेलो दोस्तों, आज है 11 अप्रैल। जो आज की करंट अफेयर्स की चर्चा है हम उसको कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अनुसंधान पोर्टल लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर, आंसर नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अनुसंधान पोर्टल SUPACE लॉन्च किया है। इस पोर्टल का मतलब सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने हाल ही में श्रीनगर में वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में नौकायन के लिए खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंडिया का उद्घाटन किया है? इसका जो राइट आंसर, आंसर नंबर डी, किरण रिजिजू। देखिए, मशहूर टीवी सीरियल महाभारत में किस भूमिका निभाने वाले मशहूर अभिनेता सतीश कौल का हाल ही में निधन हो गया? इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर सी, इंद्रदेव। देखिए, वर्ष 1974 से 1998 तक सतीश कौल ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले के साथ ही मशहूर टीवी सीरियल महाभारत में इंद्रदेव की भूमिका निभाने वाले मशहूर अभिनेता सतीश कौल का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने करमा रामलखन, कहो ना प्यार है, सॉरी प्यार तो होना ही था, अंटी नंबर वन जैसी फिल्मों में काम किया है। अगला क्वेश्चन, पॉपुलर अमेरिकन रैपर और एक्टर अर्ल सिमंस का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर ए, 50 वर्ष की उम्र में। देखिए, ड्रग्स का ओवरडोज लेने के कारण हार्ट अटैक आने की वजह से पॉपुलर अमेरिकन रैपर और एक्टर अर्ल सिमंस का हाल ही में 50 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें DMX और डार्क मैन एक्स के नाम से भी जाना जाता था। उनके निधन पर प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह समेत कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने शोक व्यक्त किया है। अगला क्वेश्चन, 11 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर सी, दोनों, अंतर्राष्ट्रीय लुई दिवस, विश्व पार्किंसंस दिवस। देखिए, निम्न में से किस देश की नेशनल असेंबली ने हाल ही में नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर, आंसर नंबर सी, वियतनाम नेशनल असेंबली। देखिए, वियतनाम नेशनल असेंबली ने हाल ही में नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव कराने की घोषणा की है। असेंबली ने फॉर्म मिन्स चिन्ह को वियतनाम का अगला प्रधानमंत्री चुनने के लिए मतदान किया है। वे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, IPL 2021 में कौन सा खिलाड़ी 100 करोड़ रुपए कमाने वाले पहले विदेशी प्लेयर बने हैं? इसका जो राइट आंसर, आंसर नंबर सी, AB डिविलियर्स। देखिए, IPL 2021 में साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर AB डिविलियर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलने के साथ ही 100 करोड़ रुपए कमाने वाले पहले विदेशी प्लेयर बन गए हैं। IPL में अभी तक विराट कोहली, रोहित शर्मा और AB डिविलियर्स 100 करोड़ रुपए की कमाई कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए 235 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर, आंसर नंबर सी, अमेरिका। देखिए, अमेरिका के राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकेन ने हाल ही में घोषणा की है कि अमेरिका ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए 235 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। इस पैकेज में वेस्ट बैंक और गाजा में विकास कार्यों के लिए धन की सहायता शामिल है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य टॉपिक पे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।